दोस्तों अब से कुछ देर बाद मुंबई और बेंगलोर की टीम चेन्नई के स्टेडियम में आईपीएल 2021 का पहला मैच खेलेगी और इस मैच के स्टार्ट होने से ठीक पहले आईपीएल के पहले मैच के ऊपर 5 काफी इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुकी है, जहां पर अब से 1 घंटा पहले आरसीबी टीम का स्टार प्लेयर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 के पहले मैच के ऊपर 5 काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के टीम स्क्वाड और साथ ही साथ विकेट कीपिंग में मुंबई इंडियंस को सलाह देने वाले किरण मोरे की तरफ से, और किरण मोरे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आईपीएल के पहले मैच के स्टार्ट होने से ठीक पहले मुंबई की टीम को काफी बड़ा झटका लग चुका है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है वेस्टइंडीज के धाकर ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड की तरफ से, जो कि मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन आईपीएल के पहले मैच में कैरन पोलार्ड नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो अभी तक इंडिया नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे ही वो इंडिया आएंगे तो उनको 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा और उसके बाद ही वो मुंबई का मैच खेल पाएंगे। तो यहां पर कैरन पोलार्ड आईपीएल 2021 के पहले मैच से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और ये अपडेट है आरसीबी के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स की तरफ से, और डेनियल सैम्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बात का प्रूफ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और इसी के ऊपर आरसीबी के इंस्टाग्राम पेज पर आरसीबी टीम ने रिएक्ट करते हुए लिखा था कि गेट वेल सून, यानी कि वो उम्मीद करते हैं कि डेनियल सैम्स जल्द ही ठीक हो जाएंगे और आरसीबी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो हम आपको बता दें कि आईपीएल के पहले मैच में अब डेनियल सैम्स नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के ओपनर क्विंटन डिकॉक की तरफ से, और क्विंटन डिकॉक इंडिया में आ चुके हैं लेकिन फिलहाल क्वारंटाइन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से क्विंटन डिकॉक आईपीएल 2021 के पहले मैच में नहीं खेलेंगे। तो काफी बड़ा झटका मुंबई को लग चुका है, तो क्विंटन डिकॉक के स्थान पर रोहित शर्मा क्रिस लिन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो आईपीएल के पहले मैच में मुंबई इंडियंस का 2 स्टार प्लेयर यानी कि क्विंटन डिकॉक और कैरन पोलार्ड प्लेइंग 11 से बाहर हो चुका है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है आरसीबी टीम के ओपनर देवदत्त पड्डीकल की तरफ से, जहां पर पड्डीकल पहले पॉजिटिव पाए गए थे लेकिन अब उनका कोविड-19 टेस्ट पूरी तरीके से निगेटिव आ चुका है, लेकिन फिर भी देवदत्त पड्डीकल आईपीएल के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि फिलहाल उनको 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद ही पड्डीकल पहला मैच खेलेंगे। तो यानी कि शुरुआत के 2 से 3 मैच में देवदत्त पड्डीकल आरसीबी टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस स्थिति में कप्तान विराट कोहली मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, हालांकि आकाश चोपड़ा ने सजेस्ट किया था कि आरसीबी टीम के कैप्टन विराट कोहली को देवदत्त पड्डीकल अगर नहीं रहते हैं तो वाशिंगटन सुंदर के साथ ओपनिंग करना चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो एंड करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरसीबी टीम के प्रैक्टिस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने काफी तूफानी बल्लेबाजी की थी, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने 42 रनों की आतिशी पारी खेली और इस दौरान ग्लेन मैक्सवेल ज्यादातर रिवर्स स्वीप शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे। तो आईपीएल से पहले ग्लेन मैक्सवेल पूरी तरीके से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और इस साल काफी तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। तो पहले मैच में कौन सी टीम जीतेगी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, और साथ ही में क्रिकेट प्रेडिक्शन के लिए टोनी भाई के साथ कॉन्टेक्ट करे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।